छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, भारत माता की। लखपती दीदी संमेलन मध्ये उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपले महामहिम राज्यपाल राधाकृष्णन जी, अजितदादा पवार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान जी, आपले प्रताप जाधव, रक्षाताई खडसे, सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि समोर उपस्थित विराट या माझ्या माता भगिनींचा महासागर इथं उमटलेला आहे, मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो। लगातार म्हणजे आता मला वाटतं आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड आपल्या या लखपती दिदी संमेलनाच्या माध्यमातून आपणच तोडलेले आहेत, सगळे विक्रम मोडीत काढले, सगळीकडे महिलाच महिला आहेत, डोळे नजर पोचत नाही इकडे समोर, इकडे माझ्या माता भगिनी उपस्थित आहे। मी पुन्हा एकदा आपल्याला स्वागत करतो, आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो। लगातार तिसरी बार हमारे देश की बागडोर संभालने वाले आज तक के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलगांव की इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। आज इथं जमलेल्या लखपती दिदींचं देखील मनापासून स्वागत करतो। तुमच्यासाठी आज खास आनंद सोहळा आहे। जळगाव ही सोन्याची भूमी आहे, जळगावचं सोनं हे अस्सल बावन कशी असतं, इथं जमलेल्या माझ्या लाडक्या बहिणी देखील सोन्यापेक्षाही सरस आहेत आणि म्हणून आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे। आज स्वर्णभूमी पर मोदी जी का प्रेरणादायक संबोधन सुनने का सुवर्ण अवसर भी हमें मिला है। मुझे अत्यंत खुशी है कि मोदी जी आज ऐसे मौके पर आए हैं जब यहां पर 11 लाख हमारी दीदी लखपती तो बन जाएगी और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत 1 करोड़ है, बाकी बहनों के अकाउंट में जल्दी रकम जमा कर दी जाएगी। या योजनेमुळे बहिणींच्या त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद फुलला आहे। राज्यातल्या या बहिणी सरकारला भरभरून आशीर्वाद देत आहे। 3 मोफत सिलेंडर देणाऱ्या अन्नपूर्णा योजना देखील सुरू केली। मुलींना उच्च शिक्षण मोफत करण्याचाही निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे। एक लाडकी लखपती योजना अनेक कुटुंबांना आधार दिला आहे। महिलांच्या सर्वांगीण विकासालाच आपलं सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे। इस देश की महिलाएं सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बने, यह सपना न सिर्फ मोदी जी ने देखा है बल्कि उसे मोदी जी ने साकार भी कर दिया है। पिछले 10 साल में भारत के ग्रामीण इलाकों की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी हुई है, यानी आत्मनिर्भर हुई है और महिलाओं को आत्मसम्मान भी मिल चुका है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। नई लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहला बिल नारी वंदना का पारित किया है। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण को लेकर पहले केवल चर्चा होती थी, मोदी जी ने वह करके दिखाया है। उनका नाम मोदी जी है आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांचा मनापासून धन्यवाद देतो। स्वयं सहायता बचत गटों से जुड़ी 1 करोड़ लखपती दीदी आज अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। आज महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू कर सही अर्थ से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने की शुरुआत की है।